नमस्कार, तो स्वागत है आपका पराशर एकेडमी का साइंस का ये जो लेक्चर सीरीज है। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, प्लीज आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, शेयर करें दोस्तों में अच्छा लगे तो, और लाइक जरूर करें क्योंकि वो मेरी गुरुदक्षिणा है। तो आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन हमारा चल रहा था लाइफ प्रोसेसेस का। लाइफ प्रोसेसेस में हमने डिस्कस कर रखा है अभी तक, लाइफ प्रोसेस क्या होता है, डेफिनेशन, लाइफ प्रोसेस की जो डिफरेंट लाइफ प्रोसेस है, फोर लाइफ प्रोसेस है, ये डिस्कस कर रखा है। और फर्स्ट जो लाइफ प्रोसेस है दैट इज न्यूट्रिशन। सब कुछ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा है, आप एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो, अपने नोट्स बनाने की कोशिश करो। मैं जो नोट्स है इनके नोट्स में अपने फेसबुक का जो मेरा पेज है पराशर एकेडमी, वहाँ पे नोट्स में अपलोड करते रहता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स वहाँ पर अपलोड कर रखा हूँ, क्वेश्चन पेपर अपलोडेड है वहाँ पे, तो आप वहाँ से जाके नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। तो न्यूट्रिशन चल रहा था, न्यूट्रिशन में हमने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस किया ढंग से। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉप्स कैसे न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, उसमें प्लांट का न्यूट्रिशन, प्लांट कैसे न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एज वेल एज द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो रिसोर्स जरूरी है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ के आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है सबसे पहले जानना ये जरूरी है। सबसे पहले डिकोड करो हेटरोट्रॉपिक, इट मीन्स कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज परफॉर्म बाई हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स जिस मोड में न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं उसको हम हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या इतना डिफाइन करने से काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं, इससे आपको मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो आपको प्रॉपर डिफाइन करना पड़ेगा। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा मैंने आपको बताया था। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जस्ट अपोजिट है कंसेप्ट के मामले। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आपसे कहा था, कीवर्ड क्या था वहां पे, कि ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं कि सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एज इनपुट लेते हैं और उसको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। लाइक फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, दोनों सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, प्लांट लेता है, इनटेक करता है, एंड देन आउटपुट में क्या मिलता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, जस्ट उल्टा। यानी इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप्स बेसिकली दे इनटेक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हेटरोट्रॉप्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का करते हैं, क्या करते हैं, उसको इनटेक करते हैं, लेते हैं, एंड देन दे ब्रेक डाउन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, और फिर क्या करते हैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं। फोर किसके लिए, फोर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द टिश्यू, और फॉर द रिक्वायर्ड लाइफ प्रोसेसेस, और फॉर द एनर्जी विच इज essential for the life process। तो ये आपको याद रखना है, heterotrophic mode of nutrition is a mode of nutrition performed by heterotrophs in which heterotrophs break down complex organic substances into simplest one to carry out their life process, that is the growth and maintenance of the tissue। Okay, and then what is heterotrophs? We are familiar with this term heterotrophs। हेटरोट्रॉप्स हमें पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। जो खुद खाना नहीं बनाता है वो हेटरोट्रॉप होता है, प्लांट ऑटोट्रॉप है क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाता है। अच्छा, आप लोग बोलोगे कि हम तो किचन में मम्मी खाना बनाती है, वो खाना बनाना नहीं है, वो कुकिंग है, ठीक है। साइंस के टर्म में वो क्या है, कुकिंग है, खाना पकाना है, बनाना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का हमने डेफिनेशन देख लिया। अब मैंने क्या बोला आपसे, मैंने आपसे बोला कि
और हेटरोट्रॉप्स इनटेक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, हेटरोट्रॉप्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेते हैं, देन दे ब्रेक आउट, देन दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को फिर वो ब्रेक डाउन करते हैं। अब ये जो ब्रेक डाउन है ना, उसी के बेसिस पे ये तीन इसके टाइप्स हैं, इससे आपको याद रहेगा पूरी जिंदगी। ये तरीका है पढ़ने का, सेल्फ स्टडी का, ये तरीका अपने लॉजिकल एनालिटिकल ब्रेन को डेवलप करने का। जो जहां कीवर्ड है, जहां से एसोसिएटेड आगे के कंसेप्ट है, वहां मैं ले जाकर आपको छोड़ता हूं और वहां से कनेक्ट करता हूं। ये तरीका आप सीख रहे हो, धीरे धीरे आप खुद इसके माहिर हो जाओगे, फिर मेरी जरूरत नहीं रहेगी। और यही मेरा मोटिव है कि हर एक स्टूडेंट जो मेरे से यहां सीख रहा है वो सेल्फ सफिशियंट हो जाए, उसके लाइफ में टीचर के इंटरवेंशन कम हो जाए। तो देखिए कैसे होता है। मैंने कहा कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ब्रेकिंग डाउन का जो प्लेस है ना, उसके बेसिस पे ये थ्री टाइप्स हो जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है। अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म या हेटरोट्रॉप्स की बात करते हो, हेटरोट्रॉप्स मिलियन मिलियन ऑफ मिलियन हेटरोट्रॉप्स है, नंबर में हेटरोट्रॉप्स का काउंट मिलियन है, और उसमें टाइप्स जो है डाइवर्सिटी में आप पढ़े होंगे, बहुत सारा टाइप्स है, तो वो टाइप्स के बेसिस पे नहीं। तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो प्लेस है, उसके बेसिस पे ये थ्री टाइप्स हैं। पहला टाइप है होलोजोइक। होलोजोइक में क्या होता है, वी आर बेसिकली वी द ह्यूमन बीइंग्स, वी आर द टाइप ऑफ हेटरोट्रॉप्स विच परफॉर्म होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दोस परफॉर्म होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम वो ऑर्गेनिज्म है, हेटरोट्रॉप्स हैं जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। तो जरा सोचिए हम क्या करते हैं, We take carbohydrates, complex organic substance के बारे में आपको बता रखा हूँ मैं, carbohydrates, fats, protein, all these are complex organic substances. तो we take carbohydrates, fat, protein, all this food material. We intake this. We engulf. Holozoic it means कि engulfing of the food. हम क्या करते हैं, food को engulf करते हैं। Engulf करने के बाद वो food का breaking down कहाँ होता है, within our body. तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो सारे ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं जो फूड को क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं, और इनगल्फ करने के बाद फूड का जो ब्रेक डाउन है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इज विद इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर अगर ब्रेक डाउन हो रहा है, देन इट मींस कि दैट ऑर्गेनिज्म इज परफॉर्मिंग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वेरी सिंपल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, परफॉर्म बाई सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सेप्रोफाइट्स कौन होते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंडेंट ऑन द डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन्स पे जो डिपेंडेंट होते हैं उनको हम सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, लाइक बैक्टीरिया हो गया आपका, मशरूम, मोल्ड, सम आर द गुड एग्जाम्पल्स। तो सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, दैट इज नोन एज सेप्रो ट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेट्रो, अब इसमें क्या होता है, आप कैसे ये सिर्फ लिख दो कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म बाय सेप्रोफाइट्स इज नोन एज सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो इससे आपको पूरा नंबर नहीं मिलना है, इससे आप रेस में 50-60% वाले में चले जाओगे। आप रेस में 90% 100% वाले पे कैसे रहोगे, तो आपको कीवर्ड वही ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, फूड का ब्रेक डाउन कहां पे हो रहा है। In this case, saprophytes जो होते हैं, basically क्या करते हैं? They break down the food outside the body. अपने body के बाहर, आप किसी saprophytes को देखोगे, body के बाहर वो food को क्या करता है? Break down करता है. ठीक है? Body के बाहर food को break down करता है, and then they engulf the simplest organic, simplest substance for the life process. Basically, saprophytes are the organism. Those break down the complex organic substances outside the body and then they intake simplest substance for their nutrition. This is the major definition in the keywords regarding the saprotropic mode of nutrition. And the last one is the parasitic mode of nutrition performed by parasites. Parasite, mosquito parasite hai. Sabse best mosquito sam samajhte hain. Mosquito kya karta hai? Mosquito hamare blood ko suck karta hai. What is blood? Blood is the well-prepared food. Blood क्या है? Well-prepared food है. Leech, जो क्या करता है? Blood suck करता है. ठीक है? Amarbale का नाम सुना होगा आप लोगों ने. ठीक है? Amarbale भी क्या है? Basically,
वो प्लांट के अंदर जो प्रिपेयर्ड फूड होता है, प्लांट के अंदर प्रिपेयर्ड फूड को वो क्या करते हैं, दे बेसिकली इनटेक दैट प्रिपेयर्ड फूड। तो ये इसमें क्या होता है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में परफॉर्म बाय पैरासाइट एंड इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म इनटेक वेल प्रिपेयर्ड फूड। ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर फूड का सिंथेसिस नहीं करता है। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डज नॉट परफॉर्म सिंथेसिस ऑफ फूड विद इन देयर बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। बेसिकली दे इनटेक प्रिपेयर्ड फूड, बिल्कुल बना बनाया हुआ खाना ब्लड में पूरा एकदम, क्या है ब्लड में, क्या है बेसिकली ऑलरेडी सिंपलेस्ट पार्ट में फूड क्या है, ब्रोकन डाउन है, डायरेक्ट मॉस्किटोज को लेता है और हैप्पी हैप्पी अपनी लाइफ चेल करके जीता है, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा लगे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगले वीडियो में मिलेंगे हम आपके साथ एमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है और ह्यूमन बींग का भी, वही पे हम स्टार्ट करेंगे। सो जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।